नमस्कार दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस बीच देश के प्रधानमंत्री बहुत सारे मीडिया हाउसेस को या फिर यूं कहें गोदी मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं। वो अपने ही लिखे हुए सवालों के जवाब देश के मीडिया को देते हैं। लेकिन इसी बीच एबीपी ने एक पोस्ट किया अपने ट्विटर पर, जहां पर उन्होंने ये पूछा कि आप देश के प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी से एक कौन सा सवाल पूछना चाहेंगे। जवाब में देश की जनता ने मोदी जी से क्या सवाल किए, क्या पूछा, क्या देश की जनता इस वक्त सोच रही है, क्या उनके मन में चल रहा है, क्या उनके सवाल हैं, ये हम आपको दिखाएंगे अभी। ये वो पोस्ट है जो एबीपी ने किया था। इसमें सवाल पूछा गया है, एक सवाल जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहेंगे कॉमेंट करके बताएं। इसके जवाब में जनता ने क्या क्या सवाल पूछे हैं ये आपको दिखाते हैं। पहला सवाल है, देश की हालत ऐसी क्यों हो गई, ना रोजगार है ना रोटी है। ये सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी से कि देश में ना रोजगार है ना रोटी है। उसके बाद अगला सवाल है, इनको देश के मध्यम वर्ग तथा गरीब वर्ग से क्या दुश्मनी है। यानी कि ये मोदी जी के लिए सवाल है कि उनको देश के मध्यम और गरीब वर्ग से क्या आपत्ति है। इसके बाद इन्होंने मोदी जी के वादों की पूरी फहरिस्त यहाँ पर डाल दी है। काला धन वापस करेंगे, नोटबंदी, 15 लाख खाते में पेट्रोल डीजल, रुपया मजबूत होगा, जैसे तमाम वादे जो मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले किए थे उनकी फहरिस्त है, जिनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं, कहाँ है सालाना 2 करोड़ नौकरी, कहाँ है काला धन, और क्या हुआ पेट्रोल डीजल के दाम का जो आप कम करने वाले थे, स्मार्ट सिटी बने या नहीं, इतना झूठ क्यों बोलते हैं और नफरत क्यों फैलाते हैं, जैसे सवाल देश की जनता मोदी जी से कर रही है। उसके बाद अगला कॉमेंट भी यही है, 2 करोड़ रोजगार, किसानों की संपत्ति दोगुनी का जो वादा किया था, और मोदी जी से पूछा जाए कि राहुल गांधी बोल रहे हैं अग्निवीर खत्म कर दूंगा, क्या वो घोषणा करेंगे कि मैं इसे खत्म नहीं होने दूंगा, क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया है कि वो अग्निवीर अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। तो ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या मोदी जी ये घोषणा करेंगे कि वो अग्निवीर खत्म नहीं होने देंगे। उसके बाद अगला सवाल किसी ने किया है, प्रधानमंत्री पद से रिटायर होने के बाद आप क्या करना पसंद करेंगे। यानी कि जनता कह रही है कि आप जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे, इतना झूठ क्यों बोलते हैं, अगला सवाल। उसके बाद अगला सवाल है, इतनी बेशर्मी से झूठ कैसे बोल लेते हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों का मोदी जी के झूठ और जुमलों को लेकर के सवाल बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पूछा है। उसके बाद पहलवान बेटियों की क्यों नहीं सुनी, दिल्ली पुलिस ने आरोप सही पाए फिर भी अरेस्ट क्यों नहीं किया, है हिम्मत दलाल मीडिया। ये किसी ने कमेंट किया है, ये मीडिया से सवाल कर रहे हैं कि आप मोदी जी से पहलवान बेटियों को लेकर के सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके बाद फेकू, जुमलेबाज, नौटंकीबाज, ड्रामेबाज तरीके, इस तरीके की ये कमेंट लोगों ने किया है। उसके बाद अगले यूज़र ने लिखा है, मेरा प्रश्न, दिन भर झूठ बोलने के बाद, मुसलमानों के प्रति देश में नफरत फैलाने के बाद मोदी जी को नींद कैसे आती है। ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप इतना झूठ बोलते हैं, आप मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाते हैं, उसके बाद आपको नींद कैसे आती है। उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के सवाल पूछा है, क्योंकि अभी तक मोदी जी ने अपने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। और उसके बाद किसी ने कॉमेंट कर ये भी पूछा है कि मोदी जी राहुल गांधी से डिबेट स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम सवाल देश की जनता पूछ रही है, और उनमें सबसे ज़्यादा यही है कि आप राहुल गांधी से डिबेट स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, आप जुमलेबाजी कर रहे हैं, आप झूठ बोलते हैं, आपको नींद कैसे आती है, जैसे सवाल जनता यहाँ पे पूछ रही है, आप झूठ बोलना कब छोड़ेंगे। यही इसी तरीके के तमाम सवाल जब एबीपी ने ये सर्वे किया तो देश की जनता ने मोदी जी से पूछे। तो दोस्तों, आपने देखा, ये वो सवाल हैं जो देश की जनता के मन में हैं कि देश के प्रधानमंत्री इतना झूठ क्यों बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री ने जो देश की जनता से वादे किए थे सरकार में आने से पहले, काला धन वापस लाएंगे और रोज़गार, 2 करोड़ रोज़गार का वादा, डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, जैसे तमाम वादे मोदी सरकार ने किए थे जिनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है, वो भी यहाँ पर जनता ने, लोगों ने कमेंट करके मोदी जी से सवाल किया। साथ ही साथ कुछ सवाल इसमें से गोदी मीडिया के लिए भी थे कि जब पहलवान बेटियों का यौन शोषण होता है तो गोदी मीडिया ये सवाल मोदी जी से क्यों नहीं करता है, ये भी सवाल था। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने तो ये मोदी जी को बता दिया कि आप सत्ता से जाने वाले हैं तो आप सत्ता से जाने के बाद क्या करिएगा,
ये भी लोगों ने सवाल पूछा है। बहरहाल 4 जून को नतीजे आ जाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद जनता सारे जवाब मोदी जी को दे देगी, क्योंकि मोदी जी ने अभी तक जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं वहां पर किसी एक इंटरव्यू में मीडिया ने मोदी जी से ये सवाल नहीं पूछे हैं। ये देश की जनता के मन में है, ये देश की जनता के सवाल हैं और 4 जून को इन सारे सवालों का जवाब देश की जनता दे देगी जब इंडिया अलायंस को वो चुनेगी।